हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ खान शेफ। आज मैंने एक सिंपल सी और यूनिक रेसिपी बनाने वाला है, वो है क्रिस्पी नूडल्स। क्रिस्पी नूडल्स को हम मैंचो सूप्स में और चॉपसीस में, हम सैलड्स में भी यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी गर्म कर लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल रहा हूँ। ऑयल इसलिए डाला जाता है क्योंकि नूडल्स एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं और अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे। तो फिर मैंने नूडल्स डाल दिए हैं। नूडल्स मैंने डीप फ्रिज में रखा हुआ था, इसके लिए इतना टाइट और बांधा हुआ है। इसको थोड़ी देर बाहर रख देंगे तब भी ये खुला हो जाएगा। मैंने ऐसे ही डाल दिया, ऐसे भी अच्छी तरह से पक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हाफ बॉयल वाला नूडल्स यूज़ कर रहा हूँ। इसको 4 से 5 मिनट तक मैंने बॉयल करूँगा। 4 से 5 मिनट में ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट से नूडल्स लेके आएंगे तो उसका पैकेट के ऊपर लिखा होगा कि कितना मिनट बॉयल करना है, तो उसी के हिसाब से बॉयल कीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, ये 4 से 5 मिनट हो गया है। इसको चेक करने के लिए मैंने एक नूडल्स लूँगा, इसके अंदर एक पतली सी लाइन आती है, ये बिल्कुल से ख़त्म हो गई है। इसका मतलब नूडल्स अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। फ्रेंड्स, नूडल को स्ट्रेन करते ही तुरंत ठंडा पानी से वॉश कर दीजिए, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएंगे। ओवर कुक हो जाएंगे तो ये चिपकने लग जाएंगे। वॉश होने के बाद आप एक 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि इसका पानी पूरा कम्प्लीटली ड्राइन हो जाए। उसके बाद हम इसको मांचोस बनाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, नूडल्स अभी मंचोस बनाने के लिए कम्प्लीटली रेडी हो गया है। अभी इसको मंचोस बनाने के लिए हम इस नूडल्स को रेडी कर लेंगे। इसमें मैंने ऐड कर रहा हूँ 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर और 50 ग्राम मैदा। इसको दोनों हाथों से अच्छी तरह से टॉस कर लें। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से टॉस करते रहिए ताकि कॉर्नफ्लोर और मैदा अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लें। फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लोर मैदा से ये होता है कि नूडल्स अच्छी तरह से क्रिस्पी बनते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी नूडल्स को हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, नूडल फ्राई करते समय ऑयल ज़्यादा हीट भी नहीं रहना है और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं रहना है। मीडियम फ्लेम में आपको नूडल्स फ्राई करना चाहिए। अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा तो नूडल्स काले हो जाएंगे और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। अगर ज़्यादा ठंडा रह जाएगा ऑयल तो नूडल्स में ऑयल भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, नूडल्स एक तरफ से अच्छा फ्राई हो जाएगा तो दूसरा साइड पलट लें ताकि दूसरा साइड भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।